पुष्पा जी आप रो रही हैं? आई ड्रॉप डाले आंखों में। वैसे रोना तो चाहिए हमको, रिटायरमेंट की उम्र में सस्पेंशन, हम लानत है ऐसे जिंदगी पे। मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नो एक्शन नो रिएक्शन, सीधा सस्पेंशन। मेरी तनख्वाह? इसको इसकी तनख्वाह की पड़ी। हमें मिल जाएगी तुमको तुम्हारी तनख्वाह। मैडम आप प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए मैडम। अरे हम क्या कर लेंगे इसमें? नहीं क्या कर ले हम बताओ, ये बैठी है ना सारे फसाद की जड़, इनसे बोलिए, इन्हीं का बचाया हुआ ये सारा प्रपंच। हमारी वजह से ना, तो और किसकी वजह से? हमारे वजह से चल रहा है घर, हमारे वजह से चल रहा है ये थाना। हम ना होते तो पता नहीं कहाँ होता घर का थाना का। यही जपती रहती है ना आप रात दिन, ये संभाला थाना आपने क्या? ये क्या ललिता पवार की तरह एक आग से हमें घूर रही हैं आप? दोनों आंखों में डालिए ना ड्रॉप्स, दोनों आंखें खोल के बात कीजिए हमसे। अरे ड्रॉप तो हमारे लल्ला की आंखों में डालना चाहिए था। पता नहीं कौन सा मन उस दिन था जो तुमसे प्यार कर बैठा और हमारी मर्जी के खिलाफ तुमको शादी करके घर में लेके आया। उस दिन अगर उसके आंखों में ड्रॉप डाल दिए होते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या हूँ हाँ? क्या हूँ? और क्या आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं यहाँ पे। हमसे ये तू तड़ोके से ना बात मत कीजिए आप। ये घर और ये सीनियर, इनका मिक्सचर बना के ना सब भौकाल मचा देंगे, जता रहे हैं आपको। ये पंखा बंद कीजिए। अरे मगर तुम बार बार पंखा क्यों बंद कर रही हो? गर्म हो रहा है ना हमको। अरे इसका आवाज हमें अच्छा नहीं लग रहा है पुष्पा जी। तो पंखे में से किशोर कुमार की आवाज सुनाए हम तुमको। तुम्हें बहुत हंसी आता है। अरे मैडम जी इन सब टंटाने छोड़ो, और जो सस्पेंशन की तलवार हम लोगों के ऊपर लटक रही है बाको कछु करो। तुम टोपा हो क्या? मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता है? पहले औरतों तक जाओ, फिर उनको समझाओ, फिर उनको बोलो हमारे पास आओ और रिपोर्ट लिखवाओ, अपने साथ साथ हमें भी बचाओ। भैया असंभव है ये। माँ माँ मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा, माँ माँ मैं तुझे हलवा खिलाऊंगा, माँ माँ तू सुन रही है ना, माँ माँ इस थाने को बचा ले, माँ माँ इन पापियों की सजा मुझे मत देना, माँ मेरा थाला उजड़ जाएगा, माँ देख इसने खून पी रखा है, माँ बचा ले माँ। अब चुप करो यार बिल्लू। काम कनक आज का एक मिनट। आखिर आ ही गई आप, हम सबको मार्गदर्शन करने आ ही गई आप। हाँ क्या हुआ पुष्पा जी? अगर हम शहर भर की औरतों तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, वो तो हम तक पहुंच सकती है ना। वो कैसे? जय माता दी। आपने हमको 24 घंटे का समय दिया था, अब उन 24 घंटों में शहर भर की औरतों तक पहुंचना संभव तो था नहीं ना, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना माता के जागरण के बहाने सबको यही बुला लिया जाए। देखिए ना कितनी सारी औरतें भी आ गई हैं। अब डेकोरेशन भी बढ़िया सा हो गया मैडम सर। हाँ हाँ संतोष हाँ। तो अब दर्शन का इंतजाम तो हम कर दिए हैं, बस अब कोई इन्हें ज्ञान दर्शन भी दे देना तो बात बन जाए। बस कोई उन्हें ऐसे दो शब्द बोल दे जो उनकी आंखें खोल दे। हाँ तो जाकर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे नहीं मैडम सर, इनकी बातें सुनकर तो आई हुई माता भी लौट जाएंगी। ये तो फिर भी साधारण सी औरतें हैं ना, आप प्लीज मदद कर दीजिए मैडम सर। आई रिक्वेस्ट यू मैडम सर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। बोलो साचे दरबार की जय। नमस्ते, हमारा नाम है हसीना मलिक और हम इस थाने की नई इंचार्ज हैं। और आज हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। वो खुशखबरी ये है कि ठीक एक महीने बाद ये पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। अब हमारी सरकार भी देखिए, हर जगह बेवजह ये महिला पुलिस थाने खोल रखे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। अरे महिलाओं से भी तो पूछ लीजिए कि उन्हें कोई परेशानी है भी या नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
और इस बात का प्रमाण है ये खाली FIR रजिस्टर, जिसमें एक भी कंप्लेन नहीं है। इससे साबित ये होता है कि यहाँ पर सारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ कभी किसी को छेड़ा नहीं जाता, कभी किसी का शोषण नहीं होता और घरेलू हिंसा तो बिल्कुल नहीं होती। अब जब महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर क्यों ये इतना बड़ा थाना खोल कर रखे? सरकार इसे बंद करके बिल्कुल सही कर रही है। फिर भी अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी और इस थाने की जरूरत है तो आइए अपनी तकलीफ हमें बताइए। ये महिला पुलिस थाना आपके लिए है। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तकलीफ में आपके साथ है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और पूरे मान और सम्मान के साथ मिलेगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां बैठी हैं, जाइए और अपनी बात कहने की हिम्मत कीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। समस्या हो बताते रहिए। जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय माता दी। पुष्पा जी, एक शिकायत है। शिकायत है? शिकायत है, बोलिए बोलिए। हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए। हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। जी जी। आपने प्रसाद में लड्डू रखा है ना, अगली बार हलवा रखिएगा। मुझे लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं। पुष्पा जी। हाँ जी। आपको एक बात बतानी थी। बात कहनी बोली, थी। बोलिए बोलिए आप। बात कहनी थी। बोलिए ना, बोलिए ना। आप बोलिए बोलिए। हाँ। वो मेरे पति है ना, उनका डेकोरेशन का काम काज है। अच्छा, लिखो डेकोरेशन। ओके। हाँ, हाँ। अगली बार है ना, आप उनसे लाइटिंग करवा लेना, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी। जय माता दी। जय माता दी। मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमें शांति, तुम फिर आ गई। ये भी कोई समय है तनख्वाह के लिए बात करने का? लेकिन कल बात करेंगे इस पे। प्रसाद ले लो और चलो। मैडम, प्रसाद ले लो, कल बात करेंगे। हम कह रहे हैं ना तुमसे, जाओ। हो गया तसल्ली? कर लिया आपने मन का मनमानी? आ गए और 10,000 की उधारी के नीचे? अरे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। लग किसने कहा था आपको अपनी चाणक्य बुद्धि लगाने के लिए? करा लिया जागरण, हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व? पुष्पा जी, अरे हमको तो लगा कि लगा। जागरण के इनको ना लगता बहुत है और इनके लगने लगाने में ना हम सबकी लग जाती है। एक रंगो कान से चमाट। चल, ये बिल्लू, बिल्लू रो रहा था ना। ए माँ सुन ले, माँ तेरे भेटे गाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा, तो माँ को पुकारा, माँ ने सुन लिया। कहाँ सुन ली पुष्पा जी, प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही है। इस माँ ने सुन ली, हमने सुन ली, अब हम भी तो उसके माँ जैसे ही है ना। सोचा बच्चा जागरण की जिद कर रहा है तो करा लेते हैं जागरण, इसमें क्या है। हाँ तो कराते ना, अपने खर्चे पे कराते। थाने के सर पे क्यों फाड़ा इतना बड़ा बिल आपने? कितना सारा पैसा बचा है हम, वो नहीं दिख रहा है तुमको? हाँ, हलवे की जगह सिर्फ लड्डू खिलाए प्रसाद में, ये नौटंकी और डांस बिल्लू से करवाए, वो नहीं दिखता। देखे हम उनका चुनरी वाला डांस। आ फिर क्या मस्त नाचा मैं, फुल महिला मंडल एकदम खुश। भक्त, ऐसा कंटा आप मारेंगे ना कि मुंह में दांत नहीं बचेगा दातुन करने के लिए। जब भी से देखते हैं ना, पूरा का पूरा छिलके मिक्सर में डाल के निचोड़ डालने का मन करता है कसम से। किसको? संतरे को। शाम 6 बजे तक सभी महिला थाने पहुंचे। याद रहे, हमें अगर किसी ने किया नाराज
तो हम शहर में प्रलय ला देंगे, समझे? चलो भाई। क्या लगता है मैडम, कोई लेडी आएगी कंप्लेन लिखाने? आइए आइए, आप कंप्लेन लिखाने आई हैं? जी हाँ, मैं रिपोर्ट लिखाने आई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, आइए स्वागतम। ये हमारी पुष्पा जी हैं, आप इनके पास में अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए। हमें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन उसके पहले हमें बड़े अफसर से मिलना है। कहाँ है आपके बड़े अफसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सीधा डायरेक्ट जाके बड़े अफसर से ही रिपोर्ट लिखवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले करिश्मा का करिश्मा। और हाँ, उन्हें बताना मत भूलेगा कि किसके कहने पे आप आई हैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, जाइए जाइए, बारी बारी से लिखवाइएगा, सारी लिखवा देना एक एक तो अच्छा रहेगा। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। हाँ। आपने जो हम सबकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम दूर की है ना, उसके लिए एक सल्यूट तो बनता है। हाँ। आते रही हो है? नमस्ते मैडम सर। आपका तजुर्बा जो कहता है सो कहता है मैडम सर, पर हमारे यहाँ भी एक पुरानी कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देखिए उंगली टेढ़ी की है तो कैसे सब आ गए रिपोर्ट लिखवाने आपके पास। हाँ, ये औरत तो रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन आपके खिलाफ। इनका कहना है कि आप पुलिसिया धौंस दिखाकर जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाने का प्रेशर बना रही थी। बहुत गलत बात है ये, हमने किसी पे कोई प्रेशर नहीं बनाया था, हम तो बस जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप अपने इस गुंडागर्दी के तरीके को अपने तक रखेंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हर बात मारपीट या धमकी से सुलझाई जाती है, कुछ मसले जज्बात से भी हल होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता मैडम सर, जो बात कान के नीचे बजाकर हो सकती है उसके लिए माउथ ऑर्गन बजाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक असूल है तो हमारा भी एक असूल है, मुजरिम का इलाज घुसा मुक्का और लात। ऐसे ही करते आए हैं हम और ऐसे ही करते रहेंगे काम। ठीक है, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो पहले खुद को सस्पेंशन से बचाइए। कुछ ही घंटे बचे हैं आप सबके पास, कोई एक औरत एक FIR, वरना नौकरी से बाहर। चलिए चाय पी कर आते हैं हमारी तरफ से, अगर नौकरी बच गई तो और चाय पिला देंगे, वरना फेयरवेल टी समझ लीजिएगा। चले लीजिए, गरम चाय और ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छा सा आइडिया सोचिए, हमें यकीन है कि आप। मैडम सर। अरे शांति, तुम फिर आ गई, हम कह रहे हैं ना तुमसे अभी। एक मिनट पुष्पा जी। हाँ शांति कहो। मैडम सर, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बदलाव लाने के लिए, यहाँ की औरतों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। चौथा महीना लगा है मैडम सर, इससे पहले भी दो बार माँ बनी और दोनों बार लड़की हुई, पर इस बार तो मेरा पति जयराम और सास जिद पर अड़े हैं कि लड़का ही होना चाहिए। वो लोग मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि लड़का है या लड़की, और अगर लड़की निकली तो
हमको तो लगता है ना, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, राक्षस कहीं के। मैं तो कहती हूँ फेक एनकाउंटर में पति और सास दोनों को उड़ा देते हैं। हाँ तो रिपोर्ट लिखवाओ ना। नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैंने आपसे कोई मदद मांगी है। शांति, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मैडम सर, रिपोर्ट नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, इस शहर में हजारों ऐसी औरतें हैं जो रोज इसी तरह घुट घुट के जी रही है और ये अन्याय सह रही है। आप भी कुछ कीजिए मैडम सर। मैडम सर, ये तो लड़ाई है जिसकी शुरुआत अब हमें करनी है। मगर कैसे, बिना एफआईआर बिना रिपोर्ट के हम कैसे? पुष्पा जी, ये लड़ाई अब हम पुलिस बनकर नहीं, महिला पुलिस बनकर लड़ेंगे। सही है मैडम सर, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। हम भी, और अगर आप लोगों के संग होने के काजे औरत होना जरूरी ना है तो हम भी आपके संग है मैडम। चलिए फिर, सबसे पहले इस पाप के पेड़ की जड़ का पता लगाते हैं। पता लगाइए कहाँ होता है ये जेंडर टेस्ट। हम जानते हैं। पुलिस होने के साथ साथ हम एक महिला भी हैं, और इस केस को तो हम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर, ध्यान से देख लियो। मैंने तो सुबह ध्यान से देख लिया था। इसी को लपेटने के लिए आए रहे हैं यहाँ पे। ये जो सेटअप किए है ना, ये इसको लपेटने के लिए किए हैं, समझिए। यस मैडम। सब रेडी है ना? हाँ मैडम। तो कहाँ है वो? हेलो। चालू पुष्पा जी। हाँ? मेरा मतलब है चालू हो जाइए पुष्पा जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, ओवर एंड आउट। अम्मा कितना ओवर एक्टिंग करती है। चलो चलो, कहाँ है चोर? घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस आ गई है। यही चोर है ना, इसी ने आपकी कांस्टेबल संतोष कंट्रोल। ये बुड्ढी माँ जी है ना, माँ जी बताइए क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे? यही चुराई है हमारी सोनी की चेन। हमको इंसाफ चाहिए मैडम सर, हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारी सोनी की चेन वापस चाहिए। हमको गिरफ्तार कर लीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारी सोनी की चेन चाहिए, इनको पकड़ लीजिए। तुम जानती भी हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? अर्चना नागर नाम है मेरा, ये जो प्रभात नरसिंह होम है ना, यही है। लेंगे तुम्हारा सारा हिसाब लेंगे, लेकिन थाने जाके। चलो 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 चलो, कितनी ओवर एक्टिंग। वही तो, इसलिए तो हम कह रहे थे कि चीते को साथ में लेकर आते, मगर नहीं, अब देखे ना इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह कितनी ओवर एक्टिंग करती है। अरे चलो। हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है, यहाँ किसी को कोई आइडिया भी है कि तुम लोग यहाँ किसको उठा कर लेकर आए हो? तुमको। मतलब डॉक्टर अर्चना नागर के साथ धोखा हुआ है? How dare you? You know what? मिनिस्ट्री तक कॉन्टैक्ट है मेरे, तुम सबकी नौकरियां तो गई, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगी, यू सी? अरे यार जाए देखो भाई, सस्पेंड कराने के चक्कर में लगो पड़ो है। नहीं हो पाएगा मैडम जी, यहाँ पे पहले तक प्री बुकिंग चल रही है, सब पहले तक बुक है। एक्सक्यूज मी, नहीं अंग्रेजी तो अच्छी है आपकी, पर पूरी बात तो सुन लो, थोड़े ही दिनों में सब सस्पेंड होने ही वाले हैं यहाँ पे।
मैडम 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 क्या है? ये तो हमारा घर जैसा है, तो जाते जाते हमारे लिए टीवी और फ्रिज का बंदोबस्त करके जाओ ना। Shut up! Useless. खाली बोलती है, कांटेक्ट है तो कुछ नहीं। हाँ बिल्लू, अपनी जगह पे बैठ जा। बैठ जा यार। क्या हो रहा है यहाँ? जय मैडम सर। कौन है लेडी? मैडम सर, ये आम डॉक्टर अर्चना नागर, इस शहर के मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। इस शहर के सारे हॉस्पिटल्स मेरी ही मेडिकल मॉनिटरिंग में चलते हैं, और ये आपके जाहिल पुलिस वाले मुझ पर चोरी जैसा घटिया और ऊंचा इल्जाम लगा रहे हैं। And I warn you, officer, अगर 5 मिनट में मुझसे माफी मांगकर यहाँ से बाहर रिलीज नहीं किया गया ना, तो तुम सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू सी करिश्मा मैडम, बुलाइए करिश्मा मैडम को। अगर आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकती हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर बिना हाथ पैर चलाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।